दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारतीय T20 क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा रोशनी देती है तो वो है सूर्या कुमार यादव। लेकिन उसकी बात कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सूर्या कुमार यादव की बात भारत की तिरंगा को सबसे ज्यादा रोशनी देने वाला खिलाड़ी है जायसवाल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रही है। दोस्तों आप हैरान मत होएगा, क्योंकि ना वो रिंकू सिंह है, ना फिर शुभमन गिल, ना हार्दिक पांड्या, वो है जायसवाल, जिन्होंने रोशनी दी है टीम इंडिया की T20 क्रिकेट को। क्योंकि टीम इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन नामों को पीछे छोड़ते हुए जायसवाल इस समय आगे निकल गए। जायसवाल वो खिलाड़ी है जो हर फॉर्मेट में कोहरा मचा रही है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो या फिर T20। जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी है टीम इंडिया की हर फॉर्मेट में इस समय बेहतरीन खेल दिखा रही है, और आने वाला समय में जायसवाल टीम इंडिया का सुपरस्टार है ये कहा जा रहा है। दोस्तों बीते लंबे समय से कई खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए खेल रही है, लेकिन वो खिलाड़ी जायसवाल के साथ टक्कर में नहीं आ पाया, जैसे ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत ने काफी सारे मैच खेला है, लेकिन T20 में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं है। हालांकि टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके रखा है। दोस्तों सूर्या कुमार यादव के बाद जायसवाल ने टीम इंडिया को जितना सारा रोशनी दिए हैं, बाकी किसी और खिलाड़ी ने नहीं दे पाए। दरअसल ICC की T20 फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग घोषित हो गई है, और दोस्तों इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो खिलाड़ी है जायसवाल। इस रैंकिंग में जायसवाल चमक रही है, जमक रही है। हालांकि शुभमन गिल भी चमक रहा है, लेकिन जायसवाल से नीचे। शुभमन गिल और जायसवाल दोनों ने ही जिम्बाब्वे के खिलाफ ओपनिंग किया था और शानदार खेल दिखाए थे, जिसकी बदौलत रैंकिंग में काफी ऊपर आ गई है फिलहाल। लेकिन जायसवाल सबसे आगे निकल गए हैं, शुभमन गिल अभी भी काफी पीछे है, और उनका स्ट्राइक रेट का भी एक मसला रहा है। T20 में शुभमन गिल काफी स्लो खेलते हैं। और दोस्तों जायसवाल एकमात्र इंडियन ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने सूर्या कुमार यादव की बात टॉप 10 की रैंकिंग में जगह बना पाई है। दोस्तों जायसवाल और सूर्या कुमार यादव ने टीम इंडिया की इज्जत बसा लिए है, क्योंकि बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं उनका नाम 1 से 10 में नहीं है। और दोस्तों ICC की T20 फॉर्मेट की रैंकिंग में जायसवाल 6 नंबर पर है, और जायसवाल के लिए ये बहुत ही खास खबर है। केवल जायसवाल ही नहीं, टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया की फैंस के लिए ये बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि जायसवाल एक ताबड़तोड़ ओपनर बल्लेबाज है टीम इंडिया की। शुभमन गिल भी आ रहे हैं, लेकिन वो अभी भी काफी पीछे है, उनका नंबर है 37। कई लोगों का मानना यह है कि शुभमन गिल भी आगे आने वाला समय में और भी अपना रैंकिंग को सुधारेंगे और आगे आएंगे, और कोई लोग ये भी कह रहा है कि जायसवाल शायद इस बार नंबर 1 तक पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म से वो गुजर रहा है, वो बेहतरीन खेल रहा है, वो टीम इंडिया में अपना जगह पक्का कर लिया है, चाहे ODI को हो, चाहे T20 को हो, चाहे टेस्ट मैच को हो, हर फॉर्मेट में बेहतरीन खेल खेल रही है जायसवाल। दोस्तों आप ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच कंपटीशन है कि इन तीनों में से कौन सा खिलाड़ी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे, क्योंकि जायसवाल तो फिक्स है, उनकी जैसा बेहतरीन बल्लेबाज टीम इंडिया को अब तक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल जायसवाल अपना जलवा जलाल करके बैठा है और रैंकिंग में 6 नंबर पे बैठा है। जायसवाल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 144 रन बनाए थे और उन्होंने केवल 3 मैच खेले थे, और जायसवाल 4 पायदान ऊपर पहुंचकर 6 पर पहुंच गए हैं। फिलहाल T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन सूर्या कुमार यादव के पास नहीं है, वो पोजीशन भारत की सबसे बड़ी दुश्मन टेबिस हेड की हाथ में है। टेबिस हेड इसलिए भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ODI में उन्होंने बल्लेबाजी किया था शानदार, जिसकी वजह से हम हारे थे। WTC की फाइनल में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी किया था और वहां पर भी हम हारे थे, और T20 विश्व कप में भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की कोशिश जरूर की, लेकिन वहां पर हम जीत गए। बीते कुछ सालों में जायसवाल काफी अच्छा राइज किया है, T20 विश्व कप की वो हिस्सा थे, हालांकि वो खेल नहीं पाए। T20 में जायसवाल ने बहुत सारा रन बनाए, चौके छक्के उन्होंने बहुत सारे मारे हैं। जायसवाल के नाम सबसे कम उम्र में 100 आ चुका है,
एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी जयसवाल का नाम आ चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ 700 से ऊपर रन बनाए थे उस टेस्ट सीरीज में जहां वो मैन ऑफ द सीरीज बने थे। फिलहाल आईसीसी की T20 रैंकिंग में जयसवाल 6 नंबर पर है। 100 ओवरऑल जयसवाल एक बेहतरीन खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहा है और आने वाला समय में जयसवाल टीम इंडिया का सुपरस्टार बनेंगे, बल्कि अभी भी जयसवाल टीम इंडिया की सुपरस्टार है ये कहना गलत नहीं होगा। 2023 और 2026 साल जयसवाल के लिए कमाल का रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि श्रीलंका टूर पर भी जयसवाल जरूर जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जयसवाल श्रीलंका टूर पर जाएंगे या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जयसवाल एक बेहतरीन बल्लेबाज है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।